सोनपुरी साहांको शक्ति प्रदर्शन पश्चिम ओडिशारे कौन पड़ प्रभाव गृहमंत्री अमित शाहंकर निर्वाचनी प्रचार समय और स्थान को जदि लक्ष्य करा जाए एथिरे हुए तो तिले हेले संदेह रहिबो नै जे निर्दिष्ट रणनीति नहीं ओडिशा मैदान कोल्हाइछंती बीजेपी चाणक्य ओडिशा मानचित्र रे सोनपुर भौगोलिक अवस्थिति उपरे नजर पकांतु जेउठी साहा निर्वाचनी सभा करिछंती पश्चिम ओडिशार केन्द्र रे थिबा एही जिल्लार चारिपार्श्वरे प्रमुख चारि लोकसभा क्षेत्र रहिछि बलांगीर लोकसभा कलाहांडी लोकसभा संबलपुर लोकसभा बरगढ़ लोकसभा जदिओ कंधमाल लोकसभा मध्य सोनपुर सहर पाख लोकसभा क्षेत्र तथापि पश्चिम ओडिशार पांच लोकसभा रोची बीजेपी रो फोकस आउ एही चारि लोकसभा केवल दलर लोकप्रियता रही नुहे बरम बीजेपी सांसद मध्य निर्वाचित होती तेणु पश्चिम ओडिशार लोकसभा आसन गुड़ी को लक्ष्य में रखी साहा सोनपुर अभियान आरंभ करो चारिटी लोकसभा आसन को लक्ष्य में रखी साहा सोनपुर सभा करिछंती चारिटी लोकसभा आसन में बीजेपी प्रार्थी बदलाई सत किंतु धर्मेन्द्र प्रधान प्रार्थी को ओल्हाई पुणि थे पोछी नबार लक्ष्य रखी जहां अमित शाह बयान रु स्पष्ट पारी हो पांच साल भारतीय जनता पार्टी को दे दो हम ओडिशा को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे भाइयों बहनों नंबर एक राज्य नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर बैठे हैं और विकसित भारत तभी बन सकता है जब हमारा ओडिशा भी विकसित हो जाए तभी बन सकता है पश्चिम ओडिशा उपरे जेमिति बीजेपी फोकस करिछि ठीक सेमिति पश्चिम ओडिशा कंटावांची आसने खोद मुख्यमंत्री प्रार्थी होई बीजेडी मध्य तार वार्ता स्पष्ट करिछि सोनपुर भली कंटावांची मध्य एभली एक निर्वाचन क्षेत्र जेउटु पश्चिम ओडिशार पांच लोकसभा आसन को सीधासलख नजर रखिपारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो पांचटी लोकसभा आसन बीजेपी हाथ को चली जाइथिला सही सब लोकसभा आसन बीजेडी निज खाता को आनिबा पई भरपूर उद्यम करिबो केवल लोकसभा आसन कहीं पश्चिम ओडिशार 35 विधानसभा आसन उपरे मध्य रहुछि बीजेडी रा नजर तेणु विकास रो वार्ता दे जोड़ी शंख बजेबा पई जनता को आह्वान देछंती नवीन पटनायक 2036 एक नंबर नंबर वन शांति समृद्ध ओ एम्पावर्ड ओडिशा एवं आम परिचय तेरे राजनीतिर यही प्रतिद्वंदिता भितरे देखिबार कथा पश्चिम ओडिशा रे पड़िबो कि अमित शाह गस्तर प्रभाव ब्यूरो रिपोर्ट कनक न्यूज़।